वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो अभी नंबर है 359। तो आज का मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ बिकॉज के अप्रैल रोज़ा है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अपनी रमज़ान रूटीन। सो अभी हमारी सहरी की तैयारी हो रही है और बस अब मेरे साथ अभी तक देखिए मेरा ब्लॉग, ये मेरा सहरी और मेरा रमज़ान रूटीन हो गई है। और अभी टाइम हो रहा है जैसे कि 4 बज गए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फटाफट अपने आप पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, वो नाम भूल गया, वहाँ पर जहाँ पर खाने की चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। मैं थोड़ा हिंदी चला के सारी जहाँ खाने की चीज़ें रखते हैं नाम भूल गया, दिमाग में गलिए। चलो फटाफट चलते हैं, बाय बाय। अब आप सुनूंगा जब सारी की सारी तैयारी हो जाएगी जब। सो लेट्स गो। और हाँ, हम सोए नहीं थे इसलिए जल्दी उठ गए। मैं सोया नहीं था रात को 12 बजे से, अभी तक 4 बजे तक फोन ही चला है सिर्फ। अब बाबा सहरी पे मिल हूँ मैं आपसे। तो ये रहा हमारी आज की सहरी, एग, शामी कबाब, पराठा और चाय। ये हमारी आज की सहरी है। सॉरी, तो मैं आपको अंदर अपनी रूटीन दिखाना चाहता था, तब क्या हुआ जिस मैंने सहरी करी ना, तो वैसे तो मुझे सांस की प्रॉब्लम है, तो मेरी कल ना अपना इतना सांस हुआ कि अपना मैंने दवाई खा ली थी तो मेरा रोज़ा टूट गया, इसलिए कि टाइम ख़त्म हो चुका था सहरी का। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब हम अपना जितने भी इंशाल्लाह नेक्स्ट रोज़े हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे रोज़े हम रखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ भी दिखानी है, मुझे मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो आप लोग ये देखें, एक चीज़ है ये हमारे टेबल और चेयर्स, जो उस दिन हम चेयर्स और टेबल लेने गए थे, ये वो है मतलब जो हमने उस दिन चेयर्स ली थी। टेबल हमारे पास था पहले एक, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक हमारी चेयर है, कुशंस को सही से रखते हैं। ये हमारा कुछ टेबल है इस टाइप का, और ये हमारे बिस्किट्स हैं छोटे से, और ये हमारा स्टूल, येलो माय फेवरेट कलर, और यहाँ पर मेरा ग्रीन कलर भी एक फेवरेट है, यहाँ पर ग्रीन कलर की चेयर। तो ये कुछ इस तरीके से है पूरा सब। अब मैं आप इस बिस्कुट को मैं टेस्ट करके बताऊँगा कि ये कैसे हैं, तो टेस्ट करते हैं। काफ़ी मीठे मीठे भी हैं, काफ़ी मीठे हैं, बहुत ज़्यादा मीठे हैं और काफ़ी टेस्टी भी हैं। तो ऐसे अभी टाइम हो रहा है 5:44। तो आज का इफ्तार है 5:50 का यहाँ, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा देर है। आज मैं रोज़ा नहीं रखा बिकॉज तो मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी, फिर मैंने दोपहर की नमाज़ तो पढ़ी थी फिर भी, और असर की भी। तो अब मैं आपको एक और अपनी चीज़ दिखाता हूँ, ये दिखाया था गैटोरेट, ये और फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। सबसे पहला जो है मेरा फेवरेट वो है ब्लू बोल्ट, उसके बाद ट्रॉपिकल फ्रूट, और ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन फिर भी कभी कभी पी लेता हूँ, कभी कभी मैं इफ्तार में भी पी लेता हूँ ये, नहीं मतलब दूसरे फ्लेवर दो दोनों में से एक। तो जब भी ये फिनिश होता है मैं पापा को बोलता हूँ, वो लाते हैं। तो बस अब मैं आपसे डायरेक्ट थोड़ी देर बाद ही मिलूँगा, बाय बाय। तो यहाँ पर हैं अभी समोसे, अभी इनको हमें फ्राई भी करना है। तो अभी यहाँ पर हमारे कीमे वाले समोसे, दही बड़े जो मुझे नहीं पसंद, लेकिन हमारे घर में सब खाते हैं मेरे अलावा। और ये आप देखें दोनों ग्रीन ग्रीन मैच हो रहे हैं
तो ये अभी हमारी इफ्तारी यही तैयारी हो रही है अभी, और अभी एक दो चीज़ें और भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए फ्लावर्स, ये तो ये पुराना वाला था, ये दो तीन नए भी आ गए हैं, एक ये नया, बाकी खिले नहीं अभी तक। ये हमारा दूसरा, और ये हमारे तीन, और यहाँ पर दो, ये एक, ये दो, और यहाँ पर अभी और थोड़े से नहीं, दो खिले, बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला तो मेरा फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट। और बाय द वे अभी टाइम हो गया है 6:27, इफ्तार खुलने वाला है, लेकिन मेरे को टेंशन नहीं चाहिए बिकॉज हमारा तो रोज़ा है ही नहीं आज। ये हमारा आज का इफ्तार, चिकन रोल, आलू के समोसे, टैंग, बनाना और डेट्स। ये हमारे समोसे, बॉक्स पीटीज, आलू के पकोड़े, ब्रेड रोल, और हमेशा हमें डेट्स से रोज़ा खोलना चाहिए, सुन्नत होती है। ये है दही बड़े, ये हमारा रोज़ा, ये हमारी इमली की चटनी, ये हमारा आज का पूरा इफ्तार करके मैंने नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं डायरेक्ट बाहर चला गया था खेलने, बाहर से खेल कर आया, पता टाइम क्या हो गया था 11:40, फिर मैं घर में आकर फटाफट मैंने नहाया, उस वक्त भूख रख रही थी तो डिनर किया हमने। उसके बाद अब मैं इस लोग कहीं पर एंड कर रहा हूँ एडिट कर कि मैं आपको अपना पहला आउटफिट दिखा देता हूँ, कि मेरी टी शर्ट, और ये है मेरा शॉर्ट, ये हमारा पूरा आज का आउटफिट है, मतलब नाइट सूट। तो इस लोग कहीं पर अभी एंड करते हैं, आई होप अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ ये देखिए पेप्सी खेलते खेलते मेरी उंगली में कट लग गया, गोश्त नज़र आ रहा है। तो इस वक्त पर एंड करते हैं, आई होप अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, चोटपट्टी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे कल, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।